बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आई एम अवैस चौधरी फ्रॉम एजुकेशन अपडेट्स यूट्यूब चैनल। तलीमी अदारों को बंद करने के हवाले से और इम्तहानात के हवाले से एक अहम तरीन अपडेट आप लोगों से शेयर करने जा रहा हूँ। न्यू आने वाले मेंबर्स से छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल पर नहीं है तो रेड बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि लेटेस्ट आने वाली एजुकेशनल वीडियोज सबसे पहले आप लोगों को मिल सकें। वीडियो को लाजमी लाइक किया करें, इससे मुझे मोटिवेशन मिलती है। टाइम वेस्ट के बगैर चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तमाम यूनिवर्सिटियों पर इम्तहानात के इनेकाद का जो है वो बंद करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। तफसीलात मैं यहाँ पर आप लोगों से शेयर करता हूँ। महकमा हायर एजुकेशन पंजाब के तमाम सरकारी और प्राइवेट यूनिवर्सिटियों पर इम्तहानात के इनेकाद पर पाबंदी आयद कर दी। तलीमी अदारों को सिर्फ ऑनलाइन क्लासेस की इजाज़त होगी। प्राइवेट और सरकारी यूनिवर्सिटियों को ऑन कैंपस इम्तहानात के इनेकाद से रोक दिया गया है। इस ज़मन में एडिशनल चीफ सेक्रेटरी महकमा हायर एजुकेशन कमीशन इरम बखारी ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। महकमा हायर एजुकेशन कमीशन ने यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजों में स्पोर्ट्स और कल्चरल तकरीबात को भी मनसूख करने का हुक्म जारी किया है। इसका इतलाक प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ पर भी होगा। सरकारी और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजों को ऑनलाइन टीचिंग के हदायतनामा पर अमल दरामद करने की हदायत कर दी गई है। कॉलेजों में ऑनलाइन तदरीसी सरगर्मियाँ जारी रहेंगी। महकमा हायर एजुकेशन ने सरकारी और प्राइवेट यूनिवर्सिटियों, कॉलेजों और 50% स्टाफ की पॉलिसी पर सख्ती से अमल दरामद की हदायत की गई है। वाज़ेह रहे, महकमा हायर एजुकेशन ने प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ को भी कोरोना वायरस के बाद यूनिवर्सिटीज़ की बंदिश के फैसले पर सख्ती से अमल दरामद करने को कहा है। जैसा कि आपको मालूम है, आज से जो है वो 10 जनवरी तक तमाम तलीमी अदारे जो हैं वो बंद कर दिए गए हैं और इसका बकायदा नोटिफिकेशन भी जारी हो चुका था। एक नोटिफिकेशन जारी हुआ था एकेडमीज के लिए, स्कूल्स के लिए, प्राइवेट स्कूल्स के लिए, मदारिस के लिए और यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस के लिए जो है अलग से जो है वो एक नोटिफिकेशन जारी किया गया था। क्योंकि पहले नोटिफिकेशन के अंदर यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस मेंशन नहीं था, इसलिए जो है उनको सेपरेट नोटिफिकेशन जारी करना पड़ा। तो आज 26 नवंबर से 10 जनवरी तक तमाम तलीमी इदारे बंद कर दिए गए हैं। दूसरी तरफ पंजाब भर में तलबा के लिए रेडियो नशरियात का आगाज़ कर दिया गया है। तफसीलात देख लेते हैं और टाइमिंग आप लोगों से यहाँ पर मैं शेयर कर देता हूँ। सुबह भर में रेडियो स्कूल की नशरियात का आगाज़ कर दिया गया है। पहली से पाँचवीं जमात के तलीमी प्रोग्राम रोज़ाना की बुनियाद पर रेडियो स्टेशन पर नशर किए जाएंगे। तफसीलात के मुताबिक सुबह भर में तलबा के रेडियो स्कूल की खसूसी नशरियात का आगाज़ कर दिया गया। पहली से पाँचवीं जमात के तलीमी प्रोग्राम रोज़ाना की बुनियाद पर रेडियो स्टेशन पर नशर होंगे। नर्सरी से तीसरी जमात के बच्चों के लिए सुबह 10 से 11 बजे नशरियात पेश की जाएंगी। चौथी और पाँचवीं जमात के लिए सुबह 11 से 12 बजे नशरियात ऑन एयर होंगी। पहली से तीसरी जमात की नशरियात 2 से 3 बजे दोबारा नशर होंगी, जबकि चौथी से पाँचवीं जमात की नशरियात 3 से 4 बजे दोबारा नशर की जाएंगी। लाहौर में FM 94 पर बच्चे नशरियात सुन सकेंगे, जबकि फैसलाबाद, पेशावर, सियालकोट FM 101 पर नशरियात सुनेंगे। बच्चे लेक्चर्स को ऑनलाइन लिंक के जरिए भी देख सकेंगे। लेक्चर्स को मुतलका वेबसाइट से डाउनलोड भी किया जा सकता है। ये थी आज की एक अहम तरीन अपडेट जो कि तलीमी अदारों को बंद करने के हवाले से और इम्तहानात के HEC के इम्तहानात के हवाले से जो मैंने इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर की है। वीडियो अच्छी लगी है तो एक छोटा सा लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो रेड बटन दबाकर मेरे चैनल एजुकेशन अपडेट्स को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि लेटेस्ट आने वाली एजुकेशनल वीडियोस सबसे पहले आप लोगों को मिल सकें। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो लेकर हाजिर हूँगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।